to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an IFite. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFite. Yes, I am an IFite. Design your future. एसएसपी अमित पाठक से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित परिवार में भय व्याप्त है और पुलिस की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले बुलंद। जंगारा निवासी दबंगों की अभद्रता और अश्लील छेड़छाड़ का शिकार रोशनी ने मीडिया के समक्ष अपने साथ हो रहे शोषण को बयां करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। मोती न करो को अब तू बच लियो, कहूँ तक चले जियो, तू अब मोपते बच लियो। कुछ नहीं गई। कौन से गांव का मामला? जंगारा। और जो छेड़छाड़ी कर रहे थे उनके क्या नाम है? एक का नाम तो रामू है और एक का नाम बूरा। अच्छा, वो किस समाज से और आपके समाज से? ये जाट है। वे जाट है, हम बेहतर है। थाना कागरौल निवासी फूलो पत्नी तोताराम वाल्मीकि की पुत्री रोशनी को गांव जंगेरा के दबंग रामू पुत्र मूलचंद और भूरा पुत्र लाल सिंह द्वारा आए दिन की जा रही छेड़छाड़ और गलत संबंध बनाने का दबाव डालने की शिकायत पीड़ित परिवार ने संबंधित थाने में की, लेकिन पुलिस ने अनसुनी कर शिकायतकर्ता को टरका दिया। दबंगों से खौफजदा परिवार न्याय की खातिर एसएसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। सर, समस्या ये है, तारीख 21 साढ़े 6 बजे ये वाल्मीकि समाज की महिलाएं ग्राम जंगारा में रहती हैं, सफाई का कार्य करती हैं। ये बेटी सफाई का कार्य करके आ रही थी तो नदिया का पुल पड़ता है, एक पास में दूसरा गांव जोतरास से। जो तीन लड़के थे, एक का नाम रामू है, एक का नाम भूरा है, एक अज्ञात है। ये कई दिन से परेशान कर रहे थे इस लड़की को जबरन। जब ये लड़की जा रही थी, इसका रास्ता रोका जबरन, इसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगे। किसी तरीके से लड़की हाथ छुड़ा करके अपने घर के लिए भागी। जब घर पे जाके उसे शिकायत की, उनके घर वालों ने कही कि नहीं, हमारे बेटे को कोई खोट नहीं है, तुम ही मक्का रहो। तो घर पर आकर के छिड़ करके इन सभी के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ, ताऊ के साथ, भतीजे के साथ, लड़की के साथ, वो घायल भी हुए। उसी समय ये थाने पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस से कहा, ऐसा हमारे संग ये घटना हुई है, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चलो हम देखते हैं आएंगे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे 22 तारीख को, कप्तान साहब चुनाव की उसमें व्यस्त थे, नहीं मुलाकात हुई, मगर कोई इनकी कार्रवाई नहीं हुई। आज भी कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने क्या आदेश करा ये हमें पता नहीं है। और थाना कागरौल का मामला है, ये बेचारे सफाई कार्य करने के लिए जाते हैं, इन्हें तरह तरह की धमकी दी जा रही, गोली मारने की, गाँव से भगाने की धमकी हो, तुम इस गाँव में नहीं रह पाओगे। क्यों तुमने हमारे खिलाफ शिकायत करने का जरूरत की? हम तो मैं गांव में नहीं रहने देंगे। बहुत परेशान है, खाने पीने से भी परेशान है, काम धंधा भी इनका बंद पड़ा हुआ है, बेचारों का, मजदूर लोग हैं, इन्हें कोई न्याय नहीं मिला है आज तक। राजीनामा के लिए बहुत दबाव है, बहुत लोग इनके पास जा रहे हैं आ रहे हैं, राजीनामा कर लो ना, अन्यथा तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हें हम गाँव में नहीं रहने देंगे। क्यों हम हाँ तो सर, अभी तक तो मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, घटना सत्य है बिल्कुल, आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। सर, हम चाहते हैं मुकदमा दर्ज करते हुए दोषियों को जेल में डालते हुए इन्हें न्याय मिलने की। दबंगों की करतूतों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धूमिल होता दिखाई दे रहा है। पुलिस की कार्यशैली भी कुछ खास नारी संरक्षण में सहयोग देती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जब तक गरीब असहाय और दलित की बेटी सुरक्षित नहीं होगी, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना बेईमानी प्रतीत होता है। सबने न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।